आज सातवा ए के जो बच्चे हैं इन लोगों को भूकंप के बारे में बतलाया जाएगा कि कैसे जो है प्लेट आपस में टकराते हैं तो कंपन की स्थिति में क्या आता है जी? भूकंप आता है। जब प्लेट आपस में टकराते हैं तो क्या होता है? वेरी गुड। दो प्लेट है ठीक है ना, ये दोनों प्लेट के माध्यम से आप लोग को हम बताएंगे कैसे कंपन होता है और कैसे भूकंप हम लोग महसूस करते हैं। नहीं सर, अब जैसे मान लीजिए कि एक ये प्लेट है, नहीं और एक ये प्लेट है, ये प्लेट ऐसे जा रहा है, ये प्लेट ऐसे आ रहा है और ऐसे जा रहा है, ठीक है? यस सर। ये विपरीत दिशा में गतिमान होते हैं प्लेट, ठीक है ना? आते हैं जाते हैं, इसी क्रम में जब प्लेट आपस में टकराएगा तो क्या होगा? भूकंप आ जाएगा। कंपन आएगा ना? यस सर। ये प्लेट टकराया, ये प्लेट टकराया और क्या हुआ? कंपन हुआ। नहीं यस सर। तो जहाँ पे कंपन होता है उसी को उद्गम केंद्र कहते हैं। नहीं यस सर। वो क्या रहता है? भूकंप का अधिकेंद्र रहता है। यस सर। और यह कंपन चारों दिशाओं में फैल जाता है और जो ही फैलता है ये वही जो है हम लोग को महसूस होता है कि भूकंप आ गया है। और जैसे ही भूकंप आता है तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले हम लोग को खाली जगह पर चले जाना चाहिए जहाँ पे बिजली का खंभा नहीं हो, नहीं वृक्ष नहीं हो, वैसे खाली स्थान पे चले जाना चाहिए। या घर में अगर अगर आप हैं तो हमें क्या करना चाहिए? कोने में जाके छिप जाना चाहिए या टेबल के नीचे, टेबल को मजबूती से पकड़ के क्या करना चाहिए? छिप जाना चाहिए। या ब्रेंच है तो ब्रेंच को पकड़ के, पलंग है तो पलंग के नीचे, ऐसे जो है हम लोग अपना बचाव कर सकते हैं, ठीक है सर?